बताओ आज एक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमर किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमर अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमर राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमर छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने हा। मैं चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से एक बार मन कर स्वागत करा। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमार छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो हमार छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास करीन और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में है ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ीन है वर्चुअली, उमन के स्वागत में भी आपन करतल ध्वनि से स्वागत करा। और आज हमारे बलौदा बालोद के पावन धरती में आज के कार्यक्रम में हमार बीच में मंच में विराजमान है हमार छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमार छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, कांकेर के सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, हमार पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन साहू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जैन जी, हमर कांकेर लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, पूर्व विधायक बीरेन्द्र साहू जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत पवार जी, हमर प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, श्रीमती सोना देवी देसलहरा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लेखराम साहू जी, राकेश यादव जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती प्रेमलता साहू जी, चेनन देशमुख जी और हमार कृषि विभाग के एपीसी सहला निगार मैडम, कृषि विभाग के सबो अधिकारीगण, यहाँ के कमिश्नर आईजी कलेक्टर एसपी सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से हमार उपस्थित अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहली आपन भारी हमार स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला से, ओकर लिए आप मन के सबके हमन बहुत बहुत आभारी हन और आप मन के भी हृदय से अभिनंदन स्वागत। और आज 151 जगह में हमार छत्तीसगढ़ सरकार के सबो मंत्री मन, हमार सांसद मन, विधायक मन और हमार और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन कार्यक्रम में जुड़ीन है, उमन के भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आज के अवसर में हमार छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान जमनला कृषक उन्नति योजना में अंतर के राशि आज मिलत है, ऐसे सभी अन्नदाता भाई बहनी मल्ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। आप मन हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में विश्वास करा और उमन के गारंटी में विश्वास करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ला दिलाओ 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट इकलिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके बहुत बहुत आभार। और हमारे ये छत्तीसगढ़ सरकार के आज 3 साल पूरा हो थे, 3 महीना 13 दिसंबर के हमन शपथ ले रहे हैं, आज 12 मार्च है, तो 3 महीना ये सरकार के पूरा हुई से, लेकिन 3 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम कर चुके हैं। मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमर मोदी जी जो वादा करे हैं, ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ाई चुके हैं। 13 दिसंबर ला शपथ लेने के बाद दूसर दिन ही 14 तारीख के पहला कैबिनेट रख के 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले ले हन। ये अगले महीना से और काम शुरू भी होगी से, लेकिन व्यापक रूप से अगले महीना से अप्रैल महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के धान के बोनस, 15 साल जब हमार सरकार रही से तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे हैं। वो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के धान के बोनस हमन 25 दिसंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और उमन के जन्मदिन 25 दिसंबर जो ला पूरा भारत देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे, ऐसे दिन में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस बकाया बोनस के राशि भेजे के काम करे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हुई से हमर खाद्य मंत्री बता रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्फर खरीदी अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से 3100 रुपया की बात हो रही से कुल 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची नहीं, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही हमर जो मोदी जी गारंटी देहरीन कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहां करे हैं। ताली बजा भाई, इतना बड़े राशि कैसे आप मन ताली भी नहीं बजा था। महतारी बंधन योजना अभी 10 तारीख के हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़े रहे वर्चुअली दिल्ली ले और हमारे छत्तीसगढ़ के 70,12,600 हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में वहां से बटन दबा के 655 करोड़ रुपया 1 महीना के पहला किस्त 1,000 के भेजे के काम करी ने। साल में 12 महीना के 12,000 महतारी बंधन के पैसा देना है, हर महीना उमन के खाता में 1,000 रुपया जाने वाला है। मोदी की गारंटी के वादा भी हमन पूरा करे हन और सबो वादा ला पूरा करवो, चाहे वो आज तेंदुपत्ता के एक वादा फिर पूरा करने वाला हन, एकर बाद में हमार कोंडा गांव में काम कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता के सीजन आगे से हमर मोदी की गारंटी में वादा है तेंदुपत्ता संग्राहक मन से कि आप मन के तेंदुपत्ता हम 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे, 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से और 15 दिन
तेंदुपत्ता के खरीदी हुई पिछली सरकार में कीमत 4000 रही, लेकिन खरीदत रहन मात्र 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमन 15 दिन खरीद वो। और जो चरण पादुका योजना जो रही, हमर माता बहनी बन के पांव में कांटा खूंटी मत गड़े, इकले चरण पादुका योजना फिर से चालू हमारे सरकार करने वाला है। तो ये सब काम हमन आगे करबो, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान ला 10000 रुपया सहायता देहे के बात हो, या 500 रुपया में गैस सिलेंडर देहे के बात हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने वाला समय में करी। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सबला में आश्वस्त करत हो। और रामलला योजना, रामलला दर्शन योजना भी शुरू हो चुकी से, हमर मोदी की गारंटी में रही। 22 जनवरी के हमर छत्तीसगढ़ के भाचा भगवान राम, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमर माता कौशल्या के धरती है, और इस नाते भगवान राम हमर छत्तीसगढ़ के भाचाएं, और 22 जनवरी के वो टेंट से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होगी ने है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये मंदिर के लिए 500 साल हमर हिंदू भाई मल्ला संघर्ष करना पड़ी, लाखों व्यक्ति ला कुर्बानी देना पड़ी, और उकर बाद ये सौभाग्य के दिन आई से। कल बिलासपुर से दूसरा ट्रेन रवाना हुई से, उकर एक सप्ताह पहले रायपुर ले मैं खुद हरी झंडी दिखा के रवाना करे रहे अयोध्या भर, और कल बिलासपुर से रामलला दर्शन योजना के ट्रेन रवाना हुई से। अब हर सप्ताह 10 दिन में एक एक ट्रेन राम भक्त मन के छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाही, और भगवान राम के दर्शन करा के सरकार मुफ्त में पूरा सरकारी खर्चा में ये योजनाएं चलने वाला है। और बड़े बड़े काम मोदी के गारंटी ला पूरा करत हन, लेकिन उकर अलावे भी बड़े बड़े काम हमन करत हन। आज सवेरे सवेरे 3 ठन नया हवाई जहाज चला के आए हन, उकर शुभारंभ करके आए हन। बिलासपुर से 1 ठन कलकत्ता जाही, और बिलासपुर से 1 ठन दिल्ली जाही, और जो जगदलपुर से रायपुर जबलपुर ये भी फिर से शुरुआत हुई। ये 3 ठन हवाई जहाज आज शुरू करके सवेरे सवेरे हमन आए हैं, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान, 7000 करोड़ से ज्यादा के काम हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत करी ने, 7000 करोड़ रेलवे के क्षेत्र में एक साल में इतना राशि कभी नहीं मिले रही, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7000 करोड़ से ज्यादा के राशि आरोग्य भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम रही से वर्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जुड़ के वो कार्यक्रम ला संपन्न करी ने। और अभी 35000 करोड़ से ज्यादा के रेलवे के सेक्टर में काम चलत है, पुराना काम। हमारे भारत सरकार के देन, हमारे मोदी जी के देन। तो इस तरह से बड़े बड़े काम भी हमन करत हन, और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए अब धूप भी आ गई, बहुत देरी से आप मन है वापस भी जाना है, इसलिए एक बार फिर से मैं 24,72,000 किसान जेमन के खाता में आज कृषक उन्नति योजना में 13,320 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हन। ऐसे सबों किसान मल्ला बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए, और आप सबके आशीर्वाद जैसे विधानसभा में मिली से वैसे लोकसभा में भी मिले, हमला मोदी जिला फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना है। इसलिए कांकेर से हमारे प्रत्याशी भोजराज नाग जी हैं, हमला जीता के दिल्ली भेजना है, यही आग्रह करते हुए अपन बात लांग करत हूँ। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके इस। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया विधानसभा चुनाव के दौरान भी, और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में
जनता का विश्वास बना रहे, ये आश्वासन जनता से चाहते हुए सीएम साय को आप सुन रहे थे। कृषक उन्नति सम्मेलन था ये, जहां अंतर्राष्ट्रीय किसानों को ट्रांसफर की गई, और इस बात को लेकर भी सीएम साय ने डबल इंजन की सरकार को बधाई दी है, श्रेय दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है, इस बात को भी यहां दोहराते हुए सीएम साय। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। टीकमगढ़ में कांग्रेस को लगा है झटका, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं, साथ ही उनकी पत्नी रेखा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई। जतारा से जनपद अध्यक्ष हैं रेखा यादव, खजुराहो में हुए बीजेपी में शामिल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो टीकमगढ़ में लगातार झटके पर झटका कांग्रेस को लग रहा है, तातो झटका मिला है टीकमगढ़ से, जहां पर जनपद अध्यक्ष रेखा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई, खजुराहो में शामिल हुई है, और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष महेश यादव भी, जो रेखा यादव के पति हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, राहुल गांधी पर नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करे। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, एक दो दिन बाद आप देखिए होता है। इंदौर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंकर लालवानी ही हो सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। वर्तमान सांसद पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एडवांस में ही बधाई दे दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले इंदौर से कोई महिला प्रत्याशी हो सकती है, इस बात को लेकर कयास उठ रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लंबे समय से जो शंकर लालवानी है वो इंदौर में रह रहे सिंधी समाज के लोगों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और अब ये इस तरह की जानकारी मिल रही है कि वर्तमान सांसद को ही रिपीट कर सकती है बीजेपी। इसीलिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पहले से ही एडवांस में ही बधाई दे दी है। दिग्विजय सिंह ने गुना लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है, दावा किया है कि गुना सीट पर तगड़ा मुकाबला होगा। यह बयान उस सवाल के जवाब में दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या गुना लोकसभा सीट पर राजा दिग्विजय और महाराजा सिंधिया के बीच चुनाव होगा। कहा कि मुकाबला तगड़ा होगा, राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं है। कहा कि मेरी तैयारी सभी जगह के लिए रहती है। पहले दिग्विजय सिंह ने गुना से चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन अब वो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। मुकाबला तगड़ा होगा, राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं कोई। मेरी तैयारी पूरे सब जगह रहती है हमेशा। नहीं, आप गुना से पार्टी तय करेगी। वही सीए पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया, कहा कि सीएए नोटिफिकेशन से देश के लोगों को फायदा होगा। विदेशों में प्रताड़ित हिंदुओं को संरक्षण देना हमारी जवाबदारी है। भोजशाला पर कहा कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसा, कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज की तारीख में देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है, और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें।
सीएए लागू किए जाने पर कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि सीएए कानून बने कितने साल हो चुके हैं, इसे लागू करने के लिए 4 साल तक किसने रोका हुआ था, नागरिकता किसको देनी है, ये नियमों में आज भी है, सीए के आने से पहले भी ये नियम था। 2019 कितने साल हो गए, 4 साल को उनको कौन रोका हुआ था, उनको उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था, एक दूसरा नागरिकता किसको देना है, ये नियमों में आज भी है, सीए आने के पहले भी था, तो उसको जिसको नागरिकता देनी थी उसको दिया, दी क्यों नहीं, अधिकार तो इन्हीं सरकार का था, हमारी सरकार में हमने दिए, केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पढ़ाई की जगह छात्रों से यहां काम करवाया जा रहा है, आदिवासी छात्रों से गेहूं बीनने का काम कराया जा रहा है, रोटी पकाने कपड़े धुलवाने का काम करवाया जा रहा है, छात्रों से काम करवाने का वीडियो वायरल हुआ है। गेड़ला ताई के छात्रावास का ये वीडियो है जहां पर छात्र पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर में महिला का शव मिला है, नग्न हालत में झोपड़ी से शव मिला है, कोटा थाना इलाके के नेवरा की घटना है, रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है, महिला का शव मिलने से संशय। कांकेर में नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाया, मरम्मत और बिजली देने की मांग की है, गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है, 15 दिन में समस्या दूर करने की मांग की है, प्रशासन के समझाने पर यहां पर जाम बाद में हटाया गया। समस्या को लेके आज हम समस्त ग्रामवासी और ये क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो 15-20 गांव के लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आज चक्का जाम किए, धरना प्रदर्शन किए हैं। सड़क का प्रॉब्लम है सर, सड़क हमारा जर्जर हो गया है और अभी हमारे बच्चे लोग पेपर दिलाने जाते हैं, जैसे 10वीं 12वीं पेपर चल रहे हैं, तो लोगों को साइकिल में आने जाने में परेशानी होता है, बहुत सारा गड्ढा हुआ है। शिवपुरी में पीएचई दफ्तर में गोली चली है, आशीष नाम के कर्मचारी को गोली लगी है, वारदात के बाद थाने पहुंचा आरोपी, धोखे से गोली चलाने को कारण बताया, दोनों ही विभाग में कर्मचारी हैं, शिवपुरी पुलिस जांच कर रही है। बलरामपुर में व्यापारी संघ ने बंद का ऐलान किया, होटल व्यापारी की मौत के मामलों को लेकर व्यापारियों में रोष है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से यहां पर बंद का ऐलान किया गया था, पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप दिया है, 6 फरवरी को जिले में 6 फरवरी को अर्ध जली हालत में शव मिला था व्यापारी का। इंदौर में छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या की गई, चाकूबाजी में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इंदौर के राजाबाग कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया गया, बाणगंगा पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर, चयनित टीचर्स ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है, बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया, उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में पदों की वृद्धि की मांग ये चयनित शिक्षक कर रहे थे। यार छोटे से ब्रेक के लिए